उधम सिंह नगर में बाल विकास विभाग अब ऐसी आंगनबाड़ी वर्कर के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है जिनके द्वारा अपने ही घर में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित किया जा रहा है और विभाग ने उसका किराया लिया जा रहा है। उधर उधम सिंह नगर जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि बीते दिनों महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें जनपद में किसी भी परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र आंगनबाड़ी वर्कर के निजी निवास पर संचालित नहीं होंगे। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड शासन के द्वारा ईसी में निर्देश दिए गए थे कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र या तो जो है राजकीय भवनों में चलाए जाएं अथवा कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपने घर में जो है आंगनवाड़ी केंद्र नहीं चलाएगी, क्योंकि उनके द्वारा अपने घर में चलाते हुए जो है सीधे किराया ले लिया जा रहा है। तो सरकार की मंशा ये है कि उसको आंगनबाड़ी अपने घर में ना चलाए, और अगर इसके बाद भी अगर मेरे निर्देशों के बाद भी अगर कोई आंगनबाड़ी वर्कर जो है अपने आंगनबाड़ी केंद्र को अपने कमरे में या अपने घर में चलाती है और उसका किराया लेती है तो उनके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है मानदेय से भी रोका जा सकता है।